अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। वहाँ गाय का गोबर मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। देखिए ऐसा है, कोई भी संदेह का घेरा नहीं, उनको नहीं पता है कि कहाँ भ्रष्टाचार है। वहाँ 70 घोटाले हुए हैं, वहाँ रेड नहीं हो सकता है क्या? तो देखिए यह बदले की कार्रवाई है, माननीय लालू जी के जो उनके गंभीर सम्मान को अति करने की कार्रवाई है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। पूर्वाग्रहों से ग्रसित कार्रवाई और CBI को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह हमारा मानना है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी अपनी एक स्वायत्तता भी है दिखाने के लिए, लेकिन व्यवहार के रूप में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। CBI की विभिन्न तरह की कार्रवाई यहाँ हुई हैं पहले, वो इसलिए नहीं हो रही कि कोई काम, कोई घोटाला है या फिर कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। ये तो दूसरी जगह भी इस तरह की घटनाएं है, होती हैं, लेकिन इस तरह के क्राइम्स हैं, इससे बड़े बड़े क्राइम्स हैं, यदि इसको क्राइम आप कहते हैं तो। जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक उसे हम क्राइम नहीं मान रहे हैं कि वो कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है ये बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रही करके, मतलब ग्रसित होकर की जा रही है। मायावती शांत हो जाए, घर बैठ जाए, मुलायम सिंह बैठ जाए, लालू प्रसाद बैठ जाए और हमारा मार्ग प्रशस्त रहे, ममता बनर्जी बैठ जाए, मार्ग प्रशस्त रहे और जनता के पास कोई विकल्प ही न रहे, इस तरह की तैयारी करने की कोशिश। ये तो डिक्टेटोरियल अप्रोच है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी और पूरा महकमा ये गैर प्रजातांत्रिक ढंग से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने सरकार को बरकरार रखने के लिए इस तरह के काम कर रही है और यह बहुत कंडेमेबल है। गलत प्रयोग किया जा रहा है। आपको कुछ सूचना प्राप्त हुई है किन मामलों में छापेमारी? हम लोग को पता चला कि अचानक की सुबह से जो है वो CBI के लोग आए हुए हैं। CBI का बालिका गृह कांड का क्या हुआ, सृजन घोटाला में क्या हुआ, उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अनेकों घोटाला हुआ है, उस पर कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है? शौचालय घोटाला कहाँ गया? अब कौन सा ये कार्रवाई हो रहा है? आप जान रहे हैं कि जो 17 साल से सत्ता में नहीं है उसके बावजूद ये कौन सा छापा चल रहा है? दिक्कत कहाँ होने लगी, क्या लगता है? देखिए कहीं ना कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं लोग, और उसके बाद से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता आता है और जाता है। सुन लीजिए, तेजस्वी जी कहीं भी रहेंगे गरीबों की आवाज़ है, लालू जी गरीबों की आवाज़ है, सामाजिक न्याय के पुरोहित हैं। आप पटना में नहीं, नहीं अभी हम हाजीपुर से आए हैं, हाजीपुर से आए हैं, हमको पता चला। टाइमिंग फिर क्या कहेंगे? ये गलत है, यहाँ पे कोई नहीं है, लालू जी भी नहीं है, लालू जी इलाज करा रहे हैं दिल्ली में और तेजस्वी जी बाहर हैं, उसके बाद इस तरह का छापा ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। मुकेश रोशन, महुआ। सर ये किस मामले में हो रही है? आप भेजिए टक्कर। डबल नाइन 3 1 9 डबल नाइन 3।